और अब बात 1 फरवरी को पेश होने वाले बजट की। कोरोना महामारी के दौर में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन से लोगों को काफी उम्मीदें हैं। कई सेक्टर ऐसे हैं जो कोरोना की मार से अब तक नहीं उबर पाए हैं, और इसके अलावा मिडिल क्लास इनकम टैक्स लिमिट में छूट और हेल्थ सेक्टर में कई रियायतों की उम्मीद लगाए बैठा है। तो 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन अपने बजट के पिटारे से लोगों को क्या तोहफा दे सकती हैं, देखिए ये रिपोर्ट। देश का आम बजट आने में बहस कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं। 1 फरवरी को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी। कोविड महामारी की तीसरी लहर और बढ़ती महंगाई की मार के बीच इस बजट के लोक लुभावन होने की उम्मीद की जा रही है। अर्थशास्त्रियों, तमाम विशेषज्ञों और वेतन भोगी वर्ग को बजट से कई उम्मीदें हैं। कोरोना के चलते ज्यादातर क्षेत्रों के कर्मचारी वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, ऐसे में उनका इलेक्ट्रिक, इंटरनेट चार्ज, किराया, फर्नीचर का खर्चा बढ़ गया है। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ने भी वर्क फ्रॉम होम के तहत घर से काम करने वालों को अतिरिक्त टैक्स छूट देने का सुझाव दिया है। उम्मीद है कि वित्त मंत्री इस पर बड़ा ऐलान कर सकते हैं। कोरोना महामारी की शुरुआत के बाद से स्वास्थ्य बीमा लोगों की सूची में प्राथमिकता बन गया है। बीमा विशेषज्ञ चाहते हैं कि स्वास्थ्य कवर को 5% GST स्लैब में रखा जाए, ताकि इसे और अधिक किफायती बनाया जा सके। GST दर में ये कमी अधिक लोगों को स्वास्थ्य बीमा खरीदने के लिए सक्षम और प्रोत्साहित करेगी। वही ऑटोमोबाइल सेक्टर EVS के पक्ष में है। ऑटोमोबाइल सेक्टर की मांग है कम ब्याज दरों पर अधिक लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए EVS को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। ऑटोमोबाइल क्षेत्र की ओर से अपनी बजट मांगों को लेकर वित्त मंत्रालय को सुझाव सौंपे गए हैं। हॉस्पिटैलिटी क्षेत्र उन सेक्टर में शामिल है जिस पर कोरोना महामारी का सबसे ज्यादा असर हुआ। इस महामारी के प्रकोप का खामियाजा भुगत रहा हॉस्पिटैलिटी क्षेत्र बाजार में GST इनपुट टैक्स क्रेडिट की मांग कर रहा। वही रेस्टोरेंट व्यवसाय को एक और लॉकडाउन से बचाने के लिए सिस्टम बनाने की मांग की गई। बैंक और MSME उद्योग क्षेत्र आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना के अनुरूप समर्थन की मांग कर रहे, जिससे बैंकों और NBFC द्वारा दिए गए ऋण पर राष्ट्रीय क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट कंपनी द्वारा 100% क्रेडिट गारंटी शामिल है। बजट में सबसे ज्यादा उम्मीदें मिडिल क्लास को हैं। मौजूदा मानक कटौती सीमा को 50,000 रूपए से बढ़ाकर कम से कम 75,000 रूपए और अधिकतम 1,00,000 रूपए करने की आवश्यकता भी बजट की उम्मीदों में से है। सैलरी क्लास लोगों को उम्मीद है कि इसको बढ़ाया जाए। इसे बढ़ाए जाने से वेतन भोगियों को सीधा सीधा टैक्स में छूट मिलेगी। विमानन उद्योग कम से कम 2 वर्षों के लिए टैक्स में छूट और न्यूनतम वैकल्पिक कर के निलंबन की उम्मीद कर रहा है। इसके अलावा महामारी प्रभावित एयरलाइंस भी न्यूनतम वैकल्पिक कर को निलंबित करना चाहती हैं। कोरोना महामारी ने विमानन क्षेत्र को भी भारी नुकसान पहुंचाया है। स्टॉक मार्केट प्लेटफॉर्म्स की भी बड़ी उम्मीदें बजट पर टिकी हैं। वे प्रतिभूति लेन देन कर में कमी चाहते हैं। शेयर बाजार से विशेषज्ञों का मानना है कि वित्त मंत्री को सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स खत्म कर देना चाहिए या इसमें कमी करनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया।